मैंने आपको बताया था वो जो मेरा सामान ज़्यादा हुआ था बैगों का, और मैंने एयर कार्गो किया वो 20 किलो 250 रियाल लगाकर। ये बंदा उस टाइम डांस कर रहा है, हंस रहा है कि तेरा 250 लगे। अभी मैं इसको बोल रहा था मैं हंसूँगा, अभी एयर रिपोर्ट के ऊपर इसका सामान ज़्यादा हुआ है तो मैं डांस कर रहा था। हाँ जी, वेख लो जनाब, एयरपोर्ट से भी इन्हें आदि दुकानदार ही नहीं छड़नी। सेट किया एक बैग थले उतारता, मैं इतने रात ही योग काम कर। पेट में गुड़बुड़ा जी, और ये देखो जाएंगे बाजू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरबिया टू पाकिस्तान के लिए अभी एयरपोर्ट की तरफ सफर जा रही है जी। बैग है जी पीछे गाड़ी में लोड और गाड़ी है फुल, तो अभी जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ, मतार खारजी की तरफ, यानी कि वहाँ से हमारी टिकट है। तो एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं तो आपको आगे दिखाता हूँ अंतर मजाज। तो ये जी यहाँ पर इसको बोलते हैं, इस इसमें हाजा मतार मदार जदीद जदीद, यहाँ पर वो बोल रहा है जो एयरपोर्ट जदीद है वो इस तरफ है, हमने जाना है मतार खारजी के ऊपर। और जो अजनबी आप एयरपोर्ट से बोल रहे हैं तो वहाँ से तमाम तर यहाँ से भी जाती हैं, जिन बंदों ने सऊदी एयरलाइन की टिकट ली होती है वो यहाँ से भी जाते हैं, या जो एमिरेट्स वगैरह किसी और की लेते हैं। तो ज़्यादातर वाकई आप हम बंगाली भाई, इंडियन भाई, पाकिस्तानी भाई मतार खारजी पर जाते हैं, वहाँ से ही जाते हैं। और आगे इंशाल्लाह ताला आपको दिखाता हूँ, अभी उस तरफ सफ़र जा रही है जी। जद्दा लिखा हुआ है, रात के टाइम इसके ऊपर लाइटिंग हुई है। अभी आगे जा रहे हैं जी, अभी रात का टाइम है, मैं आपको जो व्यू आ रहे हैं अंधेरे में वही दिखा लूँगा। अराइवल्स, डिपार्चर एंड एग्जिट, ये बोर्ड लगा हुआ है ऊपर, तो हम जा रहे हैं आगे। यहाँ से अंदर इंटर होंगे देख लेंगे और फिर इंशाल्लाह आपको आगे दिखाता हूँ। सामान उतारा है अभी यहाँ से, ये मैं दो चेयर निकालूंगा और दो बंदे हैं हम, और दो के ऊपर ही मैं पूरा आने वाला है। तो बहरहाल रखते हैं सामान ऊपर और चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर वेट करेंगे क्या सूरत हाल है। बता दूं मैंने भी अभी ये चीज़ अंधेरा है, आपको शायद अच्छे से ना दे, मैंने भी अभी देखी है आपको करीब। आप ये क्या है चेयर का, आप ये दबाएंगे तो ये चलेगी, छोड़ेंगे तो ये नहीं चलेगी। देख लें आप, ये इसका ब्रेक लग गई है, इसकी ब्रेक लग गई है, इसको दबाएंगे तो ये चलेगी। ये मैंने अभी वैसे देखी है खुद से जी। तो ये मेरा बैग है जी, देख लें आप, एक दो तीन बैग है, ये हैंड कैरी है और ये लैपटॉप है, ये इसका है जी, इस दोस्त का देख लें, एक हैंड कैरी और तीन बैग। अभी अंदर चलते हैं, देखता हूँ मैं क्या सूरत हाल है। अच्छा मैं आपको टाइम टेबल तो कहीं बैठकर बताऊंगा हम कितने बजे पहुँचे हैं, तो क्या सूरत हाल है। जा रहा है जी देख लें आप, रात में ऐसे व्यू आएंगे। अच्छा ये जो चीज़ सामने आ जी, आब जमज़म, ये बंद है, मैं जो आपको अभी बात बताने वाला था, आब जमज़म को भाई अभी आपको यहाँ से एयरपोर्ट से नहीं मिलने वाला, ये बंद है। ये रही जी बिल्डिंग, वो ये सारा एयरपोर्ट है जी, ठीक है। इसे आप बोल रहे हैं मतार अल खारजिया, मतार गैर मुल्की भी बोल देते हैं बहुत से बंदे, तो वो है जी सामने बिल्डिंग ये वाली। यहाँ से पानी मिलता था आब जमज़म का, अभी नहीं मिल रहा है भाई, तो बंद है जी। तो अभी मैं आपको कुछ फ्लाइट्स के मतलब बता दूँ, हमारी फ्लाइट सरीन एयरलाइन है, मैं आपको पहले जब टिकट खरीदी थी उस टाइम आपके साथ वो वीडियो शेयर कर चुका हूँ, उसमें बता भी चुका हूँ। अभी मैं वैसे अंदर एयरपोर्ट के अंदर दो नंबर गेट से इंटर होकर अंदर चेयर के ऊपर वेटिंग कर रहे हैं। वेटिंग क्यों कर रहे हैं, सरीन एयरलाइन है, सुबह 7:30 बजे यहाँ से उठना है उसने, तो हम पहुँचे हैं जी। टाइम क्या हुआ है, अभी 2 बजे हैं, तो हम अंदर पहुंच चुके हैं। इसकी बोर्डिंग 4 घंटे पहले शुरू होगी, यानी कि 7:30 बजे से आप 6:30, 5:30, 4:30, 3:30, यानी कि 3:30 या 4 बजे इसकी बोर्डिंग शुरू होगी। उसके बाद आवाम अंदर जाना शुरू हो जाएगी, हम उस टाइम अंदर जाएंगे, लेकिन हम अभी 2 बजे यहाँ पर पहुँच चुके हैं, यानी कि 2 घंटे पहले बोल रहे हैं। क्यों भाई, एक तो आपको पता है जी जद्दा बनी मार्के में मैं रह रहा था, वहाँ से 2 बजे अगर या 1 बजे हम 1:30 बजे 2 बजे जाहिर सी बात है 3:30 बजे बोर्डिंग शुरू होनी थी, तो हम 3 बजे अगर निकलते तो उस टाइम टैक्सी बहुत मुश्किल से मिलती है बनी मार्के के अराउंड में, तो इसलिए हम जल्दी आ गए। हमने बोला घर में भी बैठेंगे अभी इंतज़ार करेंगे, तो सारा सामान वगैरह तो पैक है, तो चलते हैं एयरपोर्ट पर वेट कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह अंदर आ चुके हैं, बैठ चुके हैं, आगे बोर्डिंग वगैरह जो भी निज़ाम होगा वो आपके साथ शेयर करूँगा। चीज़
चीज़ और आप सर क्लियर करना चाहता हूँ मैं, अभी एयरपोर्ट के ऊपर आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आप, यानी कि आप टिकट पासपोर्ट के अलावा, वो इंशाल्लाह ताला आपके साथ मैं कहलाता तफसील से वीडियो शेयर कर देता हूँ, उसमें आपको बता दूंगा, दिखा दूंगा कि भाई अभी आपको ये चीज़ चाहिए, यहाँ पर PCR ख़त्म हो चुका है, लेकिन आपको उस वीडियो में तफसील से इंशाल्लाह ताला बता दूंगा जी। तो ये ब्लू वाले मैंने लिए हैं जी, आप देख लें साइड से, ठीक है, इसकी लुक, और इस तरफ से देख लें फिल्ला है जी, और सऊदी अरेबिया में आपको पता ही आम चलते हैं, ये मैंने लिए हैं अभी, इस भाई ने लिए हैं ये वाले, ये बिल्कुल वाइट है, तो देख लें जी, मैं उसको बोल रहा हूँ मेरी ब्लू पैंट के साथ ये बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं, ये बोलता नहीं ये अच्छे लग रहे हैं जी। देख लें जी, यहाँ पर मैं अभी देख रहा हूँ लाहौर के लिए सरीन एयरलाइन नहीं लगी है, यहाँ पर सरीन एयरलाइन लगी हुई है कराची के लिए, वो देख लें कराची के लिए, और न्यू टाइम आ रहा है इसका 6:30 बजे, अभी मुझे पता नहीं है ये लेट हो रही है क्या हो रहा है, लेकिन 6:30 बजे इसका न्यू टाइम आ रहा है, और अभी सरीन एयरलाइन लाहौर के लिए नहीं लगी है जी। तो बोर्डिंग शुरू हो चुकी है जी, सरीन एयरलाइन देख लें सेकंड में या नीचे से, और लाहौर के लिए तो ये बोर्डिंग शुरू हो चुकी है, मैं यहाँ से आपको इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ, ER 18:22 ऑन टाइम 7:30 बजे उड़ेगी, टाइम लिखा हुआ है इसकी, यानी कि फ़्लाइट लग चुकी है, अभी बोर्डिंग शुरू हुई है या नहीं हुई है अंदर से जाकर देखता हूँ मैं, यहाँ पर बोर्डिंग लिखा नहीं आ रहा है तो यकीनी बात अभी शुरू नहीं होगी, लेकिन चलते हैं अंदर दिखाता हूँ आपको, वो बाहर बैठा हुआ है दूसरा बंदा सामान लेकर, अभी चलते हैं जी। तो देख लें जी, सरीन एयरलाइन के लिए लाइन लगी हुई हैं, बोर्डिंग शुरू हो चुकी है, और एक चीज़ आखिर में लिखी हुई है मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये वाली, इसमें आप वो बोलते हैं बैग लैमिनेशन कर लें, 32 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और कोई गट्ठ वगैरह ना आपने बनाई हो, जैसा कपड़ा लपेटा हुआ सामान के ऊपर उसके ऊपर रस्सी बांधी हुई है, ऐसा सामान नहीं चलेगा यहाँ पर, जैसा कि अक्सर कार्गो में भेज देते हैं, ऐसा सामान नहीं चलेगा ना, आप जमदम जाएगा, वो बोलते हैं कैसा सामान नहीं, बाकी आप लेमिनेशन करें बैग वगैरह बनाएं 32 kg के अराउंड में वो जाएगा जी। बोर्डिंग हो चुकी है, और मैं हमने एक चीज़ कैसे हुई है, सामान कैसे पैक हुआ है, मैं अभी आपको कहीं बैठकर बताता हूँ, यानी कि आप भाई अगर एयरपोर्ट के ऊपर आ रहे हैं तो क्या करना चाहिए, मैं ये भी आपको बता देता हूँ, मैं ये देख लें आपको दिखाता हूँ आगे, ये भी एयरपोर्ट के ऊपर है जी, देख लें 100 रियाल में ये तमाम तर परफ्यूम ये जितने भी पड़े हुए हैं ये आपको 100 रियाल में मिलेंगे, आप इनमें से कोई सा भी ले लें कोई भी पसंद कर लें, ये तमाम वैरायटी 100 रियाल में लगी हुई है, और यहाँ पर चैनल वालों का पड़ा हुआ है ये परफ्यूम, और ये है जी 440 रियाल का, और साथ में इस तरफ जो पड़ा हुआ है ये 602 रियाल का, 600 रियाल का बोल रहे हैं, ये इतने महंगे परफ्यूम है यहाँ पर एयरपोर्ट के ऊपर, आप देख लें चैनल 9 में है जी ये, इनमें आप लेकिन ये है YNE 3499, यानी कि आपको 3 मिल जाएंगे 1000 रियाल में, लेकिन ये परफ्यूम अच्छे हैं, और उसके बाद यहाँ पर है जी, और ये 700 रियाल में है 3, देख लें 700 रियाल में 3। तो वेटिंग रूम में आकर बैठ गए आप देख लें, और वहाँ भी इतनी है ज़ाहिर सी बात है, ये सरीन एयरलाइन के ही मुसाफर हैं कुछ, और मैं इसके अलावा नहीं देख रहा हूँ किसी और एयरलाइन के, बहरहाल आगे इंशाल्लाह ताला आपको दिखाता रहूँगा मैं तमाम तर तफसीलात, वो सामने मुझे लगता है कि जहाज़ सरीन एयरलाइन का आकर आ चुका है, बाकी इंशाल्लाह ताला देखते हैं आगे क्या सूरत हाल है जी। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप एयरपोर्टिंग पर जाते हैं हुआ क्या, आप भी एहतियात कीजिएगा, मैं भी वाशरूम गया हुआ था वाशरूम से, तो बोर्डिंग पर हम पहुंच जाते हैं, अभी 2 सब्सक्राइबर मिल गए हैं मुझे, वो चैनल देखते हैं तो यहीं पर गपशप हो रही थी, बोर्डिंग पर आप आ जाते हैं ना तो कुछ जो हमारे साथ हुआ वो शेयर करूंगा, आप एहतियात कीजिएगा, दोस्त आगे लगा हुआ था मैं पीछे था, हुआ कुछ यूं कि जब उसने वज़न रखा तो उसका जो बैग थे वो 72 किलो हो गए, जो कि 70 किलो थे, उसने बोला अभी 2 किलो निकालो, हालाँकि पहले होता था 1 किलो 2 किलो ज़ायद निकल जाता था, मेरे साथ क्या हुआ ये भी बता दूँ, तो उसने उसको बोला कि भाई चलो जाने दो, बोलता नहीं 2 किलो निकालो, उसने बैग नीचे उतारे, एक आयरन थी उसके पास जो कि यूजेबल थी, उसने वो निकाल दी, तो उसके बाद फिर बंगाली ने मुझे आवाज़ लगाई थी, उसकी बात सुनने गया हुआ था, ये मैं आपके साथ एक पाकिस्तान में कहीं बैठ कर आपको ये किस्सा सुनाऊँगा, तो बहरहाल ये जो बंगाली ने मुझे आवाज़ क्यों लगाई थी वो वाला, मेरी बारी आई, मैंने बैग रखे 71 72 किलो हो गए जी,
उसने बोला आध किलो ज़्यादा आशी लो। मैंने उसको बोला अभी वो मालश मदीरा ना हैंड कैरी वह खम सकिलो, बोला ला आध किलो, मैं ला आध किलो मंजीर बस। उसने बोला चलो ठीक है जाने दो, तो मेरे बैग निकल गए। फिर हैंड कैरी की बारी आ गई जी, वहाँ से हम चले, उसने आयरन निकाल दी अपना 70 किलो पूरा किया और बैग उसके भी जमा हो गए। हैंड कैरी की तरफ चल पड़े जी, हैंड कैरी की बारी आई तो उस मेरे आगे फिर वो ही था मेरा दोस्त, हैंड कैरी उसने रखा है तो उसका हुआ है जी मेरा ख्याल है 8.5 किलो के करीब। उसने बोला है कि भाई ये जो 1.5 किलो है ज़्यादा निकालो क्योंकि 7 किलो हैंड कैरी अलाउड है। उसने बोला कि भाई, उसने बोला ना इसको निकालो, तो फिर उसमें से भी 1 किलो उसने निकाला। वो एक और था जो भी बंदा था उसको एक किलो खजूर दे दी, वो उसकी लेकर आगे उसमें वेटिंग रूम में यहाँ ले लिए। उसके बाद हुआ कुछ यूँ, जब मेरी हैंड कैरी की बारी आई, मैं उसके पीछे था तो मैंने अपना हैंड कैरी रखा तो 5 किलो हुआ। वो बोलता है कि भाई ये लैपटॉप वाला बैग भी रखो। मैंने उसको बोला लैपटॉप वाला बैग मैं अभी कैसे रख सकता हूँ भी, ये तो अलहदा से होता है। वो बोलता है ला हुआ सवा सवा, हालांकि लैपटॉप आप अलहदा से लेकर जा सकते हैं, लेकिन वो बोला नहीं ये सवा सवा ही जाएगा। तो लैपटॉप का बैग भी रखा जी, तो वो मेरा हो गया 8 किलो से जायद था। लेकिन उसने बोला कि भाई चलो ले जाओ ये, क्योंकि ये तुम्हारा लैपटॉप है अलग से, इसलिए तो ऐसे निकले हैं। आप भी मैं इमिग्रेशन के मतलब आपको बता दूं, आगे आए हैं तो वो मेरा पासपोर्ट वगैरह चेक किए, फिंगर लगवाए हैं, तो जब आज़ाद का जो फतूरा होता है एक छोटा सा वो दिया है। आगे आए हैं, आगे दूसरे बंदे खड़े हुए थे, उन लोगों ने वो फतूरा ले लिया, बोला आगे जाओ, आगे जो चेकिंग चलती है यानी कि आप अपना बेल्ट शूज़, वहाँ पर एक और ड्रामा लगा। तमाम तर चीज़ें मैंने निकाल दी रख दी, वो बैग मेरा बाहर आया तो वो बोलते हैं बीच में एक साथ है वो, तो मैंने उसको बोला कि भाई इसमें यानी कैंची हैं। मैंने उसको बोला भाई मुमकिन वाहन, बोलता ट्रेन निकालो, अभी मैंने एक निकाली, वो बोलता है एक और है। उस छोटे मोटे एक दो पीस थे पुराने पड़े हुए थे, कोई जो जिसको हम क्या बोलते हैं वो जो बक्सुआ वगैरह लगाने के लिए होता है, वो एक दो पीस थे उस हैंड कैरी में पुराने का ही। मैंने वो निकाले, वो बोलता ये नहीं है, वो बड़ी कैंची है, यानी कि इतनी हिस्सी थी वो। तो मैंने बोला ठीक है चेक करने लगा, एक बैग निकला अंदर से छोटा, मैं अभी उमरा पर गया हुआ था तो कैंची साथ लेकर गए थे, तो मैंने फिर वो कैंची उस मुझे याद आया इसके अंदर होगी, वो उसके अंदर से निकाली। तो कोई भी ऐसी चीज़ भाई वहाँ से वो नहीं लेकर आने देते हैं आगे, तो ये एहतियात कीजिएगा। आगे शॉपिंग वगैरह की जो मॉल्स वगैरह हैं अभी वो आपको दिखा चुका हूँ मैं, अभी वेटिंग रूम में चल रहा है जी टाइम, अभी टाइम हो चुका है जी आपको मैं बता दूँ जी 5:30 हो चुके हैं जी, और 5:30 तो 7:30 बजे फ्लाइट है, यानी कि 2 घंटे बाद। तो इंशाल्लाह आपके साथ आगे मैं मुकम्मल तफसील शेयर करता जाऊँगा। तो कॉफ़ी मैं पूछता हूँ यहाँ से, आपको दिखाता हूँ एयरपोर्ट से कॉफ़ी का क्या रेट है, ये भी आपको दिखाता हूँ। तो बंद है जी, वरना मैं देखने क्लोज, सॉरी वी आर क्लोज, तो बंद है वरना पूछ कर बचाता हूँ। चलो